बेटा फिलहाल तू पंडाल के अंदर ही रहना, शुक्राचार्य का खतरा टला नहीं है। I'm sure वो फिर से अटैक करेगा, उसका ईगो जो हर्ट हुआ है। जी मामा जी। अरे कहाँ गया यार नेटवर्क, आ जा। Oh, finally, I got the bars. Yes. सॉरी मैम, हीरो की लोकेशन को रिवील नहीं कर सकते, स्ट्रिक्टली ऑर्डर है। इंस्पेक्टर, आई डोंट अंडरस्टैंड, पर अगर इमरजेंसी नहीं होती ना, मैं आपसे पूछती भी नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज बिलीव मी, देयर आर पीपल इन डेंजर। ओके ओके, बट सिर्फ इसलिए कि आप हीरो की टीम से हैं, वो लोग गांव के दुर्गा पंडाल में गए हुए हैं। एक असुर का अत्याचार क्या होता है ये तुमने मुझे दिखा दिया शुक्राचार्य, इसीलिए मैं वीर जैसी पवित्र आत्मा को कभी असुर बनने नहीं दूंगी। ये एक यक्षिणी का वचन है। अब ये नकली खंजर जाकर वीर को लौटा दो। माँ, भैया, मैं यहाँ हूँ क्या? वीर! कमिश्नर के रूप में रक्त बीज है। सही जवाब। जवाब मैं तुम्हें दूंगा। ओह माय गॉड, ये क्या कर रहा है? खंजर का इस्तेमाल कर। वो खंजर कहां चला गया? अरे खंजर कहां गया? बंटू भाई, हाँ? ये खंजर की बात हो रही है। अरे तेरे पास कैसे आया? पता नहीं। ऐतिहासिक रात है ये, वीर को असुर बनाने का अवसर और शिव जी का ये चमत्कारी अस्त्र, दोनों शुक्राचार्य से मिल जाएंगे, ऐसा किसने सोचा था? बस अब कुछ ही क्षणों में वीर उस नकली खंजर से रक्त बीज पर वार करेगा और दुनिया देखेगी बुराई की शक्ति। रुक जाओ वीर। ये खंजर नकली है, तुम्हारे हाथों एक बेकसूर की जान चली जाएगी वीर, रुक जाओ। नहीं वीर, वीर ये यक्षिणी है ना, टीम शुक्र थी और टीम शुक्र ही रहेगी। नहीं नहीं वीर, इसका हम ट्रस्ट कर चुके और वो गलती हम फिर से नहीं करने वाले। ये माँ पे काम किया है, कमिश्नर जी पर भी काम करेगा, तो बिंदास खंजर मार। नो वीर, प्लीज स्टॉप। अति उत्तम।
किसका इंतजार है तुझे तुच्छ मानव? खेल खत्म। अब ये चीर निद्रा में है, कभी नहीं उठेगा। तुम्हें इसकी बात सुन लेनी चाहिए थी, मगर अफसोस, तुमने गुरु शुक्राचार्य को उसकी जीत थाली में परोस कर दे दी। सर, 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 आंखें खोलिए। नो 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 सर, यू कांट डू दिस टू मी। सर, वेक अप। सर, अंधकार की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है वीर। असुर कुल के खोए हुए गौरव को लौटाना है हम दोनों को। तुम्हारा जन्म भले ही एक मनुष्य योनि से हुआ है, परंतु तुम्हारा प्रारब्ध असुर कुल को महान बनाना है। इसीलिए तुम अपने अंदर के अंधकार को मत रोको, उसे जगाओ। दिखा दो दुनिया को कि ये मायावी अंगूठी क्या कर सकती है। बुराई के काले बादल अच्छाई के सूरज को नहीं निगल सकते। लेकिन क्या हमारे पास कोई होप नहीं है? हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ तो होगा। सिर्फ एक है, हम कैसे भी करके उस अमृत को हासिल कर ले तो वीर। इम्पॉसिबल माँ, इम्पॉसिबल। शुक्राचार्य हमें अमृत के करीब तक नहीं जाने देगा। मैं ये काम कर सकती हूँ। हम देवताओं के विरुद्ध एक विशाल युद्ध छेड़ना चाहते थे, पूरे ब्रह्मांड पर राज करते हम, परंतु इतने दिन इस इंसानी शरीर में रहकर हमें एक नया लक्ष्य मिल गया है, पृथ्वी को नष्ट करना। क्या विचार है वीर? वो अमृत एक पोर्टल में रखा हुआ है जहां केवल मैं जा सकती हूं, और अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मुझ पर कंप्लीटली ट्रस्ट करना होगा। शुक्राचार्य को कैसे रोकना है कि मुझ पर छोड़ दो? है वो असुर गुरु, लेकिन एक मां की ममता से बड़ी कोई शक्ति नहीं। एक प्रभावी तंत्र विधि है जिसके सामने शुक्रा भी विवश हो जाएगा। बस एक खतरा है। कैसा खतरा? इस विधि के दौरान मेरी मृत्यु भी हो सकती है। माँ, ये क्या कह रही हो आप? अदिति, पंडू, बस यही एक चारा है। मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है। बस तुम लोग वादा करो वीर तक वो अमृत पहुंच जाएगा। आपको मेरा विश्वास करना होगा। संध्या एक काला तंत्र कर रही है जिससे आपके प्राण संकट में आ सकते हैं। गुरुदेव, मैं आपको केवल सचेत करने आई हूं। उसे रोकना होगा शीघ्र। कोई भी जोखिम नहीं।
कंड तुम ठीक हो? शीशी शीशी मिली अमृत शुक्राचार्य के साथ एक बार फिर तुमने चल किया यक्षिका अमृत चुरा लिया गया है मैं तुम्हें ये विधि संपूर्ण करने नहीं दूंगा गुरु शुक्राचार्य को हराना असंभव है कब समझोगे तुम इंसान मेरी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी मेरा बेटा तुझसे प्रतिशोध लेगा तेरा घमंड और तेरी ताकत का नशा तेरे अंत का कारण बन चुके हैं शुक्रा आंखें खोल कर देख तू ये लड़ाई हार चुका है रुक जाओ वीर रुक जाओ वीर वीर प्लीज अदिति अमृत अमृत भी स्वाहा हो गया सॉरी वीर मुझे सारी हदें पार कर दी हैं तूने त्रस्त हो गया हूं मैं अच्छाई का मसीहा सच्चाई का रक्षक देवताओं का योद्धा तूने गुरु शुक्राचार्य से वो हर कार्य करवाया जो उसके लिए करना उपयुक्त नहीं था ये अच्छाई का ज्ञान केवल एक ढोंग है वह
वरना तेरी माँ की मौत मेरे हाथों कैसे होती वीर, अंगूठी दे दो वरना इसे भी संध्या की तरह नहीं शुक्राचार्य मैं देता हूँ अंगूठी आजाद कर दो मुझे नहीं चाहिए मुझे ये अंगूठी और ना ही इसकी शक्तियां नहीं चाहिए मुझे इसका साथ अब इसकी वजह से और जाने नहीं जाएंगे आजाद कर दो मुझे अपनी जिंदगी के लिए लड़ा आप ही की दी हुई अच्छाई की ताकत के भरोसे वो बुराई के सामने आज तक नहीं झुका अगर उसे कुछ हो गया तो भरोसा उठ जाएगा लोगों का आपसे उसे बचा लीजिए आई डोंट गेट इट आई जस्ट भीड़ ने ऐसा क्यों किया अपने आप से पूछो शायद जवाब तुम खुद जानती मतलब अगर अगर वीर ऐसा किसी के लिए करता ना तो वो थी लारा तुम लारा के बारे में जानती हो फिर ना लारा के बगैर बिल्कुल अधूरा था फिर लारा इसी नाम की तरह वो दोनों एक दूसरे से इटर्नली कनेक्टेड थे लारा वीर की जुनून भी थी उसका सुकून भी फिर एक दिन शी डाइड अगर वीर वीर ऐसा स्टेप इतना बड़ा स्टेप अगर किसी के लिए भी लेता ना तो वो सिर्फ लारा थी और अब उसने तुम्हारा तुम्हारे लिए लिया अतिथि तुम्हारे लिए ना डेफिनेटली कुछ फील करता है फिर प्लीज उठ जा मुझसे लड़ो मुझे परेशान करो नर्स इंजेक्शन अपने स्टूपिड वन लाइनर से मुझे इरिटेट करो बट प्लीज प्लीज उठ जा
आज मेरी वजह से तुम मौत से लड़ रहे हो। जो सैक्रिफाइस तुमने मेरे लिए किया वो शायद ही कोई अपना किसी के लिए करता है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत अपनों को खोया है, लेकिन अब तुम्हें नहीं खो सकती। डॉक्टर्स कुछ नहीं बता पा रहे मामा जी, भैया ठीक तो हो जाएंगे ना? आप भी कोई चमत्कार कीजिए शिव जी, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। प्लीज शिव जी। एक हादसे में हीरो ने अपनी जादुई अंगूठी के साथ साथ अपने सारे सुपर पावर्स भी गवा दिए। अब वो आपकी हमारी तरह एक मामूली इंसान बनकर रह गया। I promise you, मामा जी, मैं अपने आप को हर खतरे से दूर रखूंगा। अरे शहर को बचाना अभी भी मेरी ड्यूटी है। नहीं, अब तुम्हारी सिर्फ एक ही ड्यूटी है, खुद को बचाना। गृहस्थ आश्रम मोड ऑन कर लो बेटा, शादी कर लो, अपना घर बसा लो। तो फिर एक बार वीर से भी पूछ लेते ना। क्या वीर, तेरे माइंड में कोई है क्या? है कोई जिसे मैं बहुत पसंद करने लगा? कोई है जो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी है? साथ में अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूं। एक्चुअली मुझे कुछ जरूरी काम है तो मैं चलती हूं। अदिति, लॉ एंड ऑर्डर, थोड़ा समय लगा पर मैं समझ गया हूं, जिंदगी बहुत छोटी और अनप्रिडिक्टेबल होती है, इसलिए जिससे जो कहना हो ना बस अभी कह दो। I love you दीदी। दीदी जामवाल, will you marry me?
बहुत सडन है तुम्हारे लिए, पर यस यस आई विल मैरी यू। सुपर ह्यूमन हीरो बन गया ना जीरो। अब जब मेरे सामने खड़े रहने की तेरी औकात भी नहीं रही तो इस शहर को मुझसे तू कैसे बचाएगा? अब नुमाइश होगी प्रोफेसर के शैतानी दिमाग की। तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं? बताओ। मुझे तुम्हारा वो सुपर हीरो वाला वर्जन ना बिल्कुल पसंद नहीं था। I mean, मुझे ये वीर पसंद है। I like you this way. मुझे एक ऐसा नॉर्मल इंसान चाहिए था जिसकी सुपर पावर हो अंडरस्टैंड, जो झट से मेरी बात सुन ले, झट से मेरे दिल की बात समझ जाए। And you know what? और मुझे लगता है कि मुझे मेरा पर्सनल कस्टमाइज्ड हीरो मिल चुका है। मैं उसे कभी खोना नहीं चाहती। सर ये तो मर गया। ए, क्या हुआ यहाँ पे? बुढ़ा खांसते खांसते मर गया। ए, चल एम्बुलेंस बुला। मामा जी सौतन वो है। आई फर्स्ट लव मामा जी। बस सच बताओ मामा जी, मैं चाहता हूँ कि कुछ टाइम के लिए ना वीर को मेरी जरूरत ही ना। अदिति उसे इतना प्यार दे, उसे इतनी खुशियां दे कि फॉर अ लिटिल व्हाइल, जस्ट फॉर अ लिटिल व्हाइल वो बंटू भाई को भूल जाए। अगर मेरे अलावा उसको कोई हैंडल कर सकता है तो एक्चुअली अदिति, वी आर मेड फॉर इच अदर। आई जस्ट होप कि मैं कुछ गड़बड़ ना हूं। प्रोफेसर अभी तक सो रहा है? रुक, नहीं जाओ रे जाओ। हेलो। हाँ मैंने ना तुम्हारा नाम बिल्कुल सही रखा है, मिस लॉ एंड ऑर्डर। आई मीन तुमने भगवान को भी नहीं बख्शा, इंसान तो इंसान भगवान के साथ भी टशन करती हो तुम। अदिति जैसी हो ना हमेशा वैसी ही रहना, क्योंकि यही तुम्हें तुम बनाता है। और मुझे मुझे तुम्हारे पीछे पागल चीज की फैक्ट्री हो तुम। हाँ वहां प्रोफेसर नहीं है, वहां कोई दूसरा है। क्या? रुको, हेलो प्रोफेसर भाग गया। कहा था ना मैंने कि इंटेलिजेंस से बढ़कर और कोई सुपर पावर नहीं है, बस दिमाग के तार सही जगह जुड़ने की देरी है। और फिर स्काई इज द लिमिट। क्रेजी प्रोफेसर, इतनी मुश्किल से पकड़ा था उसे, फिर फरार हो गया। अदिति टेंशन मत लो, हम उसे फिर से पकड़ लेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो पूरी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ना डेंजर है। मैंने कहा था ना मुझे छुट्टी नहीं लेनी चाहिए थी। अदिति हम उसे पकड़ लेंगे, हम पहले भी टीम थे और अब कपल भी है। उस कार्टून को पहले भी पकड़ा है, अभी भी पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। वीर पहले की बात अलग थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मेरी पुलिस टीम है ना, वो हैंडल कर लेगी। अरे ये मेरा भी शहर, मैं ऐसे कैसे साइडलाइन हो सकता हूँ? I'm so sorry,
सॉरी, आपको लगी तो नहीं? ये आज की यंग जनरेशन, इंसानों के जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। I'm sorry, हम थोड़ा जल्दी में थे। तो क्या, राह चल तो घोड़ा दोगे? देखिए अब आप अपनी, तुम जाओ, तुम्हें जल्दी है, मैं हैंडल करता हूँ। अंकल देखिए, I'm so sorry, हम लोग बहुत ही जल्दी में थे थोड़ा, तो आप प्लीज समझिए ना। वाह, ऑलमोस्ट मेरी जान ले ली, पर इतनी सी भी कर्टेसी नहीं, किस बुजुर्ग आदमी को आगे छोड़ दे। अंकल अदिति, मैं कैब कर लूंगा, तुम इनको लेकर जाओ। आई दैट क्रेजी प्रोफेसर, इतनी मुश्किल से पकड़ा था उसे, फिर फरार हो गया। संसार के सबसे शक्तिशाली शस्त्रों में से एक, नाभोगनाशी, इसके निशाने पर है पृथ्वी ग्रह, और हमारी उंगली के एक हरकत से पूरे का पूरा पृथ्वी ग्रह स्वाहा। की शक्तियों का काम ना करना, ये एक अच्छा संकेत नहीं है। मैं इतनी स्पीड में कैसे भागा? Gayab Mode On, Gayab Mode Off, दीदी क्या अंगूठी ने अपना आखिरी पड़ाव पार कर लिया? क्या वाकई अंगूठी और अंगूठी धारक एक हो चुके हैं? हमें पता लगाना होगा। ठीक है, मुझे यही उतरना था, तुमने सुना नहीं शायद। अब तुम जाओ, जाओ, जाओ। थैंक यू। हाँ, जाओ, 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 जाओ। प्लीज गो। हीरो, मतलब है कि रिंग की सारी शक्ति अब मेरे अंदर है। ये रिंग तेरी है, तो सिर्फ जुड़ चुकी, इसलिए तो ये शुक्र ग्रह से निकल कर आई, कोई ये रिंग से रोक नहीं पाया। बोलो को, तो सुपर हीरोज पसंद ही नहीं है, ये बात उसे नहीं बता सकता। एक्चुअली ये बात किसी को नहीं बता सकता, क्योंकि अगर ये बात शुक्राचार्य को पता चल गई तो फिर से मेरे अपनों की जान खतरे में आ जाएगी। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, नहीं। मुझे ये राज ही रखना होगा। पहली बार
पहली बार प्रोफेसर को कोई ऐसी इक्वेशन मिली है जो उससे सॉल्व नहीं हो रहा। कुछ तो है जो मैं मिस कर रहा हूं। अगर वीर की पावर्स चली गई हैं, तो मुझे बाइक से किसने गिराया, थप्पड़ किसने मारा? बिल्कुल वैसी ही फीलिंग थी जैसी हीरो देता था। या तो वो हीरो था या कोई सुपर नेचुरल पावर, यानी चांस है कि एक नए विलन की एंट्री हुई है। लेकिन अगर तू ही हीरो था, बस इस बार तेरी गर्दन और मेरा पंजा। प्रोफेसर को लागू हो रहा है और उसे मुझ पर डाउट भी है। वो दोबारा अटैक जरूर करेगा। मुझे ऐसे ही इविल माइंडेड लोग जैसे कि शुक्राचार्य और प्रोफेसर से हमेशा एक स्टेप आगे रहना होगा। अदिति को नहीं, अदिति मुझे अपने साथ कभी नहीं आने देगी। और उसे बताएगा कौन की हीरोज के साथ आ रहा है। गायब मोड में तो अदिति के साथ जा ही सकता हूं। अगर कोई डेंजर लगा तो मैं अदिति को सेव भी कर लूंगा। इस तरह से मैं प्रोफेसर को भी पकड़ लूंगा और मेरा शहर और मेरी लव लाइफ दोनों सेफ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।